हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज शेडी ब्लॉगर प्रीति और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पुडिंग की रेसिपी, जो बहुत ही कम सामान में और कम समय में बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं होटल जाकर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देने की और वो होटल जाकर ब्रेड पुडिंग खाने की। हम घर पे ही ये बहुत ही अच्छे से ये ब्रेड पुडिंग जो है वो बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए ये देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगली वीडियो। तो मैंने यहाँ पे एक मेजरिंग कप भर के यहाँ पे चीनी लिए है, 5 से 6 यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड स्लाइस लिए है, आप ब्राउन ब्रेड स्लाइस भी ले सकते हैं। मैंने इसके जो कॉर्नर्स है वो निकाल दिए हैं और एक मेजरिंग कप से 2 या 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कम चीनी ली है। हमारे घर में कम मीठा खाया जाता है तो मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी यहाँ पे यूज़ की है। और 2 मेजरिंग कप भर के मैंने यहाँ पे दूध लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर की जगह पे आप कॉर्नस्टार्च पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने बटर यूज़ किया है। तो ये सब सामान हमें ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए चाहिए। अब हम गैस ऑन कर देंगे और गैस पे पैन जो है वो चढ़ा देंगे और उसमें हमने जो 1 कप भर के जो चीनी ली थी वो मेल्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम जो पुडिंग के लिए हमें कैरेमल चाहिए वो बना लेंगे। तो ये कैरेमल जो है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली इस तरह से स्टर करते हुए बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ये जो कैरेमल है वो बनाना है। अब हमारी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो रही है, तो इस तरह से हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ये कैरेमल बना लेना है। तो हम अभी हमें इसका थोड़ा और गाढ़ा कलर चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से अब हमारा हमें जो जिस तरह से कलर जिस जो कलर हमें चाहिए कैरेमल का वो हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम जो है जल्दी से बंद कर देंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। और इसे यहाँ पे मैंने ये 6 इंच का केक टिन लिया है, उसमें ये जो कैरेमल है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह से हमें ये पूरा जो कैरेमल है केक टिन में डाल देना है और इसे अच्छे से हमें टैप करते हुए पूरे केक टिन में इसे फैला देना है। और ये केक टिन जो है हम अब साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ली है, उसमें 2 मेजरिंग कप भर के मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। दो कप दूध में मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये जो कस्टर्ड पाउडर है नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में किसी कहीं भी ये मिल जाती है। ये वैनिला फ्लेवर की कस्टर्ड पाउडर है, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो फ्लेवर की कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है पुडिंग में। तो इसमें ही मैंने 1 कप भर के चीनी डाल दी है, 1 कप से थोड़ी सी कम यहाँ पे चीनी मैंने यूज़ की है। और ये बैटर जो है हम अच्छे से बना लेंगे लम्प फ्री, और इसे भी हम साइड में रख देंगे। और सब हम जो हमने ब्रेड्स लिए हैं उसको इस तरह से तोड़ के एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे और इसका फ्रेश ब्रेड क्रम बना लेंगे हम। तो नॉर्मल हमें इसे पीस लेना है। और ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल फ्रेश ऐसा ब्रेड क्रम बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हम ये एक बाउल में निकाल के इसे साइड में रख देंगे और गैस एक बार फिर से हम ऑन करेंगे और इस पे ये जो हमने बैटर बना लिया था कस्टर्ड पाउडर चीनी और दूध का, इसे कंटिन्यूसली इस तरह से हिलाते हुए हमें ये बैटर जो है पुडिंग का बना लेना है। मैंने यहाँ पे स्पैचुला नहीं लिया है, ये विस्कर जो है इसका यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, ये बिल्कुल लम्प फ्री अच्छे से ये बैटर बन जाता है और ये अच्छे से एक सा होता है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ये हमारा कस्टर्ड जो है अच्छे से बन गया है। और 2 मिनट तक मैं इसे अच्छे से हिलाते हुए ये लो टू मीडियम फ्लेम पे
हम इसे पका लेंगे। और ये देखिए स्पैचुला से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये स्पैचुला पे इस तरह से कोट हो रहा है ये बैटर। तो अब हमारा ये बैटर बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये जो गैस की फ्लेम है वो कम कर देंगे और इसमें दो दो टेबलस्पून करके हम ये जो ब्रेड क्रम हमने लिए है वो इसमें डालते जाएंगे और इसे एक सा कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें ये बिल्कुल लंप फ्री बैटर बनेगा और इसमें ज़्यादा गांठे नहीं पड़ेगी। अगर हम इसमें एक साथ सभी ब्रेड क्रम डाल देते हैं तो ये बिल्कुल ही हमें हैंडल नहीं होगा और इसमें हमें फिर से ब्लेंडर मारना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये थोड़ा थोड़ा करके ये पुडिंग का जो बैटर है वो बना लेना है और इसे अच्छे से लंप फ्री ये बैटर बन जाता है इस तरह से। तो ये हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये जो हमने बटर लिया है एक टेबलस्पून भर के वो यहाँ पे इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, ये ब्रेड में ब्रेड जो हमने डाली है ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है पुडिंग में और इसमें एक अलग ही शाइन आ जाती है, ग्लॉस आ जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे एक टेबलस्पून भर के यहाँ पे बटर यूज़ किया है। अब हमने जो केक टिन बना लिया था उसमें ये बैटर जो है डाल देंगे। इस तरह से हम ये बैटर जो है इस केक के टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से टैप करके हमें ऊपर से इसे बिल्कुल चिकना बना लेना है और टैप कर लेना है। इसमें जो एयर बबल्स अगर जमे हुए हैं तो वो निकल जाएंगे और इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से ये इस केक टिन में ये बैटर जो है फैला लेना है। अब हम गैस ऑन करेंगे फिर से और गैस पे एक मैंने यहाँ पे इडली बनाने का जो कुकर होता है उसमें पानी डाल दिया है। यहाँ लगभग मैंने यहाँ पे ये जो रिंग है वो पूरी इसमें डूब जाए इतना पानी डाल दिया है और इसमें ये रिंग डाल दी है जिससे कि हमारा जो पुडिंग का बैटर है वो अच्छे से ऊपर ही रहे और ये पानी में अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ये हमने जो पुडिंग बना ली है वो पुडिंग का बैटर केक टिन जो है वो रख देंगे और उसके ऊपर से छोटा ढक्कन डाल देंगे और ऊपर से इसे दूसरे ढक्कन से कवर करके इसे 30 से 25 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे ये पुडिंग। तो ये देखिए 30 से 25 मिनट हो गए हैं। हम ये पुडिंग एक बार चेक कर लेंगे, बहुत ही सावधानी से हमें ये करना है नहीं तो हाथ जल वगैरह जाएगा, तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से ये काम करना है। तो ये देखिए अब मैं ये पुडिंग जो है वो चेक कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम ऊपर से इसे हाथ लगाते हैं तो ये देखिए ये हाथों में चिपक रहा है। तो अभी तक हमारी ये पुडिंग बनी नहीं है तो हमें इसे और 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखना है और 5 से 7 मिनट बाद हम इसे फिर से एक बार चेक करेंगे। तो अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब हम पुडिंग एक बार फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैं इसे हाथ लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। तो ये हमारी पुडिंग बनके रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर आने के बाद हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर से 2 से 3 घंटों के लिए हमें इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। और 2 से 3 घंटों बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पुडिंग बनके रेडी हो गई है, अच्छी से ठंडी ठंडी हो गई है। एक नाइफ़ की मदद से हम इसके जो कॉर्नर से वो छुड़ा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और एक प्लेट में ये हम ये जो पुडिंग है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे कुछ इस तरह से, अनमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ऐसी पुडिंग बनके रेडी हो गई है। वाओ, देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और बहुत ही टेस्टी ये बनी है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट में ब्रेड पुडिंग खाते हैं उसी तरह से बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी
पुडिंग बनके रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।